नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को एक शादी समारोह में जाते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत नागल कस्बे के बस स्टैंड पर रुके, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा कि हाईवे में सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए किसानों की भूमि का यदि उचित मुआवजा नहीं मिलता और यदि MSP पर सरकार गारंटी कानून नहीं बनाती तो संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गन्ना मूल्य निश्चित नहीं कर रही तो सरकार के मन में किसानों के प्रति खोट है। बताते चले कि संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत क्षेत्र के गांव बडेड़ी गुर्जर में संगठन के पश्चिमी प्रदेश सचिव सोनू कुमार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। स्वागत में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, जिला अध्यक्ष राजपाल चौधरी, अनिल स्वामी, श्यामवीर सैनी, मास्टर रघुवीर, पदम सिंह आदि मौजूद रहे। देखो, प्राइज वार चलेगा तो मूल्य वृद्धि तो कंपटीशन में बढ़ेगी। सरकार का तो नहीं अभी लग रहा कि ये बढ़ाएगी। चर्चा जरूर चली थी कि 25 रुपये बढ़ाएगी, लेकिन कभी कुछ अता पता नहीं है। MSP को लेकर संगठन किस तरीके से MSP पे हमारा कल प्रोग्राम था 11 तारीख को, 11 दिसंबर को पूरे देश भर में था, हर जिला मुख्यालय पर रहा। इसके लिए और ज़्यादा मीटिंगें करनी पड़ेगी। बड़ा आंदोलन देश में MSP के लिए होगा। MSP गारंटी कानून ये बनना चाहिए, इसी से ही देश के किसानों को लाभ होगा और दूसरी फसलें भी और जुड़नी चाहिए, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये भी इसमें आना चाहिए। हमारे चारों तरफ निरंतर हाईवे का जाल है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उस हाईवे में किसानों की जमीनें जा रही हैं, उन किसानों के लिए क्या संदेश कि जमीन आंदोलन जमीन जा रही, भाव नहीं मिल रहा तो आंदोलन। पॉलिटिकल सिस्टम से ना पैसे मिलेंगे ना हाईवे बंद होंगे, लेकिन आंदोलन आदमी को करना चाहिए। जहाँ की जमीन जा रही बैठ जाओ वहाँ पे, बगैर आंदोलन के ना रेट मिले और जमीन सरकार के पास में वो भी एक दान खाता भी उसमें भी जमीन ले ले। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में वहाँ वाली सरकार ने पहले दान में किसानों की जमीन ली और जो आदिवासियों की जमीन है वो ली उन्होंने। तो आंदोलन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नागल बस स्टैंड पर अभी 2 दिन पूर्व एक दुर्घटना हुई जहां 3 लोग का स्वर्गवास हुआ और 4 से 5 लोग घायल हैं। संगठन कैसे ओवरब्रिज की मांग को लेकर? देखो, ओवरब्रिज यहां पे बढ़ना चाहिए, ये कट है यहां पे और जहां पे भी कट है वहां पे ओवरब्रिज या नीचे को अंडरपास उस तरह की व्यवस्था हो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया और खासकर जो 2-व्हीलर है उसका ट्रैफिक बढ़ा। अनट्रेंड बच्चे आते हैं, हाई स्पीड से आते हैं, उतना तजर्बा है नहीं और ट्रक भी उसी पे ही और मोटरसाइकिल भी उसी पे ही, तो एक्सीडेंट और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें सचेत रहने की भी ज़रूरत है, बच्चों को सबको ट्रेनिंग स्कूल भी हमारे खुले कि कैसे कहाँ से चले, उसका भी हमको सबको सरकारों को ये वो करें कि जब लाइसेंस दें तो एक ट्रेनिंग स्कूल भी ज़रूर खुले, बच्चों को सिखाएं और अपने बच्चों को कहें कि कम स्पीड रखें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।